40 चार चार जी। पिछले महीने दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को जो कारोर गांव में घटना हुई थी, उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमारी सीआईए फर्स्ट टीम ने दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें प्रशांत फरीदाबाद से था और रोहित उर्फ मोटा टिटोले गांव का था। अभी कारोर केस में ये हमारे सीआईए फर्स्ट इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसआई विनोद, एएसआई मंजीत और एएसआई अमित के नेतृत्व में आईएमटी मानेसर भांगरोला गांव है जी, वहाँ से मुख्य आरोपी थे हमारे जतिन सनोफ श्री भगवान वासी कारोर व सोनूर भोला, ये टिटोली रहने वाले थे। इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और जिनको आज पेश अदालत किया गया था और 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इन्हीं के द्वारा अब कुछ दिन पहले ही दूसरी वारदात फौजी ढाबे पर की गई थी, जिसमें भी हमारी सीआईए फर्स्ट की टीम ने एक आरोपी कफील उर्फ छोटू वासी टिटोली को भी गिरफ्तार किया है, जिसको भी पेश अदालत करके आज रिमांड पर लिया गया है। इसमें जो फौजी ढाबे पर वारदात हुई है, जिसमें 4 पिस्टल कपिल को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 4 पिस्टल बरामद हुई है मर्डर वाले केस में, उन्हीं से मिली है जी 4। जी जी, ये जो हमारा कंप्लेनेंट है जी, फौजी कृष्ण नाम था इनका, इनके लड़के कंप्लेनेंट है राजकुमार, इनकी शिकायत पर दर्ज किया गया। ये कारोर के ही रहने वाले हैं, इनकी पहले से रंजिश रही है। देखो जी, गैंगवार ही कहेंगे हम तो। जो फौजी ढाबा पर जो वारदात हुई, इसके पीछे जो वारदात जो सनसनी फैलाना था या कोई उद्देश्य मर्डर करना या कुछ और था? देखो जी, जो जतिन है मुख्य आरोपी, इनके जो चाचा ताऊ फादर है वो गुजर चुके हैं, ये अपना नाम दहशत फैलाने के लिए इस तरह की वारदात कर रहा है, तो उसको काबू कर लिया। अब गांव में फिलहाल शांति है जी, हमारे एसपी साहब के बरसक प्रयास थे, वहाँ गार्ड भी छोड़ी गई थी और गांव वालों की जो भी मांग थी हमने पूरी की है, अब फिलहाल शांति है गांव में। क्या जी, इनका कोई स्लीपर सेल भी है? इस तरह की कोई बात नहीं आई है जी। जो कार पीछे कोई और भी है? कोई ना अब तक कोई नहीं, नहीं अब तक कोई वारदात नहीं। सर, 7/2002 से तो चली आ रही है पूरी रंजिश कारोर में जी, तो इसका क्या सर, हम अंत मानेंगे या आगे भी इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा? देखो जी, पुलिस तो कोशिश कर रही है, अंत ही करेंगे हम तो जी। सर, सारे अभियुक्त गिरफ्त में पुलिस की कारोर में जी जी जी, बाय नेम जो थे हमने सभी को अरेस्ट कर लिया जी। इनके खिलाफ जो तीन नंबर जो दूसरा है, इनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? पहले ही मामले दर्ज थे जी। पहले स्नेचिंग का था जी, एक 307 में थे, जुनाइल में थे जब जी। नहीं, मर्डर का नहीं था जी, मर्डर का पहला ही थे कारोर। तो वहाँ ये छिपे हुए थे, कोई वारदात को अंजाम? वहाँ छिपे हुए थे जी, हमारे जिसके घर छिपे थे उनके भी किसी गिरफ्तारी नहीं? नहीं, तो कमरा ले गए वहाँ, कमरा किराए पे ले गए रह रहे थे जी, हमारे जो भी सूत्र थे उनके अनुसार हमने। सर, कारोर हत्याकांड में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई होगी दिवाली के बाद से लेकर अब तक? 4 गिरफ्तारी हो गई जी। तो पहले पकड़ा गया था जी, एक तो प्रशांत थे फरीदाबाद के, नंबर 2 थे रोहित उर्फ मोटा टिटोली के, अब हमने जतिन और सोनूर बोला टिटोली, 4 गिरफ्तारी हुई। जो ये गुरुग्राम में कमरा किराए पे रखा था, अपने नाम से ले रखा था, नाम बदल के कमरा ले रखा था, इस चीज की पूछताछ कर रहे हैं जी। डिप्टी साहब, क्या इनसे पूछताछ और भी करनी बाकी, और भी कोई खुलासा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, रिमांड पे लिया जी हमने 7 दिन के पे, आगे पूछताछ होगी, जैसी भी होगी आपको सूचित कर दें।